सैयद अली सिस्तानी एक अजीम मर्तबत दीनी पेशवा है न सिर्फ़ इराक़ बल्कि दुनिया भर में उनके करोड़ों मुक़ल्लिदीन हैं मौसूफ का तकवा उनका इल्म उनकी दानिशमंदी और ज़का ने बेशुमार मुसलमानों और गैर मुसलमिन को उनका मुरीद और मुक़ल्लिद बना दिया है उज़्मा सैयद अली सिस्तानी का ताल्लुक़ दीन के एक मुत्तकी और परहेजगार ख़ानदान से है उन्होंने इस्तदलाल पर मबनी और दीनियात की तालीम कई मुमताज़ और दीन से हासिल की उनकी परवरिश और तरबियत एक मिसाली नौीय के हामिल दीनी और मजहबी ख़ानदान में हुई मौसूफ के वालद का नाम सैद मोहम्मद था, और उनके जद अमजद थे मशहूर शख्सियत सैयद अली आयतुल्लाह आयातुल्ला सिस्तानी ने पाँच साल की उम्र ही में क़ुरान मजीद की तलीम शुरू की इस सिलसिले में आकाए मुदीर की वालिदा नामी एक नेक खातून ने उनकी मदद की जल्द ही उन्हें एक मजहबी दर्सगाह में शरीक किया गया जहां उन्हें पढ़ाई लिखाई बुनियादी रियाजियात और जोग्राफिया की तालीम दी गई मिर्ज़ा अली आगा जालिम से खुश नबीसी का हुनर सीखने के बाद वो दरगाह से फ़ारगो तहसील हुए सन 1360 सौ साठ हिजरी के इब्तदाई हिस्से में उन्होंने हौजे के बुनियादी दर्स लेने शुरू किए इस दौरान मौसूफ ने जिन किताबों का ब़ौर मतलब किया उनमें सोती की शर्लफ़िया इब्न हिशाम की मगनी तफ्तजानी की मतवल मकामत अली तबरीरी और शरह निज़ाम सरे फहरिस्त हैं इस दर्सगाह में निशापुरी जैसे आलिम फाजिल उनके एक थे। शरह लुमा और कमानी नामी किताबों का दर्स उन्होंने सैयद अहमद यजी से हासिल किया जिन्हें नहंग के लक़ से पुकारा जाता था उस दौर की नामवर आलिम शेख हाशिम से उन्होंने सख् के दर्जे की किताबों मसलन मकासिब, रसाइल और कियाफे की तालीम हासिल की उन्होंने फ़लसफे की कई किताबों का ब़ौर मुतालिया किया इन किताबों में शरह मंजुम सब्जवारी शरह इशराक और शदरमीन की असफार शामिल हैं इन किताबों का दर्श उन्होंने आयसी मरहूम से हासिल किया शवाक़ुल्हाम का दर्श उन्होंने शेख मुशतबा कजवीनी से हासिल किया खुदाई तालीमात के बारे में उन्होंने मिर्जा मेहदी इस्फहानी से बसरत मालूम हासिल किं दर असना मिर्जा मेहदी अश्ति और मिर्ज़ा हाशि कजवीनी की दरसगाह में ख़ारिज के लेक्चर्स में शिरकत की तेरह सौ अड़सठ हिजरी के अविर में आयतुल्लाह सिस्तानी ने कु में सुकूनत इख्तियार कर ली ताकि वहाँ फिकह और असूल की तालीम को मज़ीद आगे बढ़ाया जाए कुंभ में वो उस दौर के दो आलिम व फाजिल की तलीमत से फैज़ याब हुए एक थे सैयद हुसैन तबातबाई और दूसरे थे कोह कुमारी सैद तबातबाई और उसूल के मौजूद पर लेक्चर दिया करते थे और मखर जिक्र के लेक्चर्स का मौजूद था सिर्फ फ़िकर कुंभ में क़याम के दौरान वो सैद बहानी से ख़त किताबत करते रहे फिर आयतुल्ला ने कु को खैरबाद कहा और नजफ़ अशरफ के लिए रवाना हो गए इमाम हुसैन आलाम के अरबाइन के दिन वो करबला पहुंचे नजफ़ अशरफ पहुँच कर उन्होंने आयतुल्ला खोई और शेख हुसैन हल्ली के लेक्चर्स में शमूलियत शुरू कर दी लेक्चर्स का मौजू फ मरबूत था ये सिलसिला अरसे दराज तक जारी रहा साथ ही साथ वो आयतुल्ला सैद मोहसिन हकीम और आयतुल्ला शहरुदी के लेक्चर्स में भी शिरकत करते रहे सन तेरह सौ अस्सी हिजरी में वो अपने वतन मशत के लिए रवाना हुए ताकि वहीं क़याम पज़ी हो जाए उसी साल आयतुल्ला खोई और शेख हिली की तरफ़ से परवान जात जारी हुए और तस्दीक की गई कि आयतुल्ला सैयद अलील हसैनीत सिसानी इज्त के दर्जे को हासिल कर चुके हैं यानी दीनी मामल में क़ानूनी फ़ैसले सादर करने के काबिल बन चुके हैं इसी दौरान शहरत याफ़्तः आलिम शेख आगा बुजुर्ग तहरानी ने सन्त जारी की और इल्म रिजाल के मैदान में यानी पैगम्बर इस्लाम अलैहि सल्ला वसम की अहादीस बयान करने वाले मुहदसिन की सबान हयात के इल्म के तक से सिस्तानी की महारत की सराहना की गई सन तेरह सौ इक्यासी हिजवी में वो नजफ अशरफ लौट आए और फ़िक के मौजु पर लेक्चर्स देने के साथ साथ रिसर्च का काम भी शुरू किया कहते हैं कि हौज़ नज़फ़ के कुछ प्रोफेसर्स ने आयतुल्लाह खुई को मशवरा दिया कि वो मजहबी हाकम आला के अहदे और नज़फ़ की दिनी दर्जगाह के डायरेक्टर के लिए किसी आलिम को तैयार करें लिहाजा आयतुल्लमा शिस्तानी को उनकी काबिलियत सलाहियत मौजूनीत उनके इल्म और बेदाग किरदार को मद्देनजर रखकर मुंतब किया गया इस तरह इमाम खोई की जिंदगी ही में मस्जिद खजरा में नमाज जमात की क्यादत आयतुल्ला सीस्तानी के सुपुर की गई ये सन चौदह सो आठ हिजरी था आयतुल्ला सीस्तानी सन चौदह सो चौदह हिजरी तक अपना फर्द निभाते रहे और फिर उस मस्जिद को बंद कर दिया गया सन तेरह चौरासी हिजरी में आयतुल्ला सिस्तानी पहली बार फरीज हज अदा करने के लिए मक् गए। फिर सन चौदह सौ और चौदह सौ में वो दूसरी और तीसरी बार हज जबैतुल्ला से सरफराज हुए आयतुल्ला सिस्तानी सनत याफ्तः इश्तिहाद हैं वो एक मिसाली नौत की जहानत के मालिक हैं और मुहदसिन की सवान हयात पर उन्होंने बहुत बारीकी से रिसर्च की है हौजे के लूमी मौजूद के नज़रियात से वह बखूबी वाकफ हैं ूम के मैदान में आयतुल्ला सीस्तानी और शहीद मोहम्मद बाकर सदर के दरमियान हमेशा मुसाबिका रहा इस अमर की तस्दीक आयतुल्ला खोई और अल्लामा शेख हुसैन हली ने भी की जिन्होंने सन उन्नीस सौ साठ में दो अलग अलग सर्टिफिकेट्स के जरिए आयतुल्ला सस्तानी के दर्ज को पहुँचने पर तस्दीक की महर सब्त की थी मजकूरा दोनों बुलंद पाया उलमाए दीन ने आयतुल्ला सस्तानी की शख्सियत और उनके इल्म की सराहना की ये कहना नामनासिब ना होगा कि उस वक्त तक आयतुल्ला खोई ने अपने शागिर्दों में आयतुल्ला सीस्तानी के मासिवा सिर्फ़ हौज़े मशहद के सरबरावरदा आलम आयतुल्ला शेख अली फलसफ़ी के इल्म और इश्तिहाद की वाज़ह तौर पर तारीफ़ की थी अलावा बरी मशहूर अलामा शेख आगा बुजुर्ग ने सन 1960 ईसवी में आयतुल्ला शीस्तानी के नाम रवाना करदा एक मरासिले में उनकी जहानत काबिलियत और इल्म रिजाल और अदिस पर मुकम्मल अबूर को काबिल तहसीन बतलाया था याद रहे कि हमारे आका आयतुल्ला शिस्तानी को ये बुलंद दर्जा और मुकाम उस वक़्त हासिल हुआ जब उनकी उम्र सिर्फ इकतीस साल थी आयतुल्ला शीस्तानी एक आली ज़रफ़ मिजाज और इंसान हैं वो इमाम के एक सच्चे और मुस्तक नुमाइंदे हैं और सारे मामलों में कुरान मजीद और अहलैतम की तलीमत को मद्देनजर रखते हैं और उन्हीं पर अमल पैरा होते हैं वो एक मामूली किस्म के घर में रहते हैं जहाँ मामूली सा फर्नीचर है वो इंतहाई सदा और कम कीमत लिबास पहनते हैं नजफ़ अशरफ केमा उनके मुनिफाना रवैये और उनकी मसावत पसंदी की खुल कर तारीफ़ करते हैं सारे इस बात पर मुतफ़ हैं कि आयतुल्ला सीस्तानी ने हमेशा दूसरों की राय का अहतराम किया है बेपनाह इल्म और तजुर्बे की दौलत के बावजूद वो दूसरों के साथ बड़ी मुनकसर मिजाजी और शाइतगी से मसायल और मौजूद पर बहस करते हैं आयतुल्ला सिस्तानी हर कस्म के तनाज़े से दूर रहते हैं और दूसरों की राय को कभी नजरअंदाज नहीं करते उनकी बातचीत में इंकसार और नरमी साफ नज़र आती है वो हर आलिम को बड़ी इज्जत और एहतराम की निगाह से देखते हैं आयतुल्ला सिस्तानी हमेशा अपने तलबा को सवालत पूछने और दीक़ रिसर्च करने की सलाह देते हैं ताकि सच्चाई की मंजिल तक पहुंचा जा सके उनका इसरार है कि दूसरे मा दीन का मुकम्मल एहतराम किया जाए आयतुल्लाह सीस्तानी सिर्फ एक फ़कीह ही नहीं बल्कि एक आला तालीम याफ्ता शख्सियत हैं। वो अक्सर वेशतर मुसर ओलूम और माशरों से बखूबी वाकिफ़ हैं उनकी राय और उनके ख्याल मौजूदा दौर से हम आहंगी रखते हैं उन्हें बैन अवी सियासी और इकतसादी हालात का पूरा इल्म रहता है नजफ़ अशरफ के कुछ का कहना है कि आयतुल्लाह सैयद नसरूल्ला मुस्तित की वफ़ात के बाद कई दीन ने आयतुल्लाह खी से गुजारिश की थी कि वो मज़हबी हाकम आला के मकाम को जिंदा और पुरसर बनाए रखने के लिए हौज नजफ़ की किसी अहम शख्सियत का इंतख्य करें आयतुल्ला खई ने बिल्कुल सही तौर पर सैयद अली सिस्तानी को उनकी दानिशमंदी, गैर मुतजलजल पॉलिसी खुश अखलाक़ी और उनके इलम और दीगर खूबियों को मद्दनजर रखते हुए मुंतब किया अब आयतुल्ला सिस्तानी उसी महराब से नमाज पढ़ाने लगे जहाँ से आयतुल्ला खोई अपनी ज़िंदगी में पढ़ाया करते थे साथ ही साथ आयतुल्ला सिस्तानी ने आयतुल्ला खई के मदरसे में तहसील इल्म भी शुरू कर दी एक मुद्दत बाद उन्होंने आयतुल्ला खोई के रिसाले के बारे में एक मकाल भी लिखा। आयतुल्ला सैयद अबुल कासिम अल खोई के जनाजे में जिन छह शख्सियतों ने शिरकत की उनमें आयतुल्ला सिस्तानी भी शामिल थे मरहूम आयतुल्ला के नमाज़ जनाजे की रस्म भी आयतुल्ला सिस्तानी ने ही अदा की आयतुल्ल खी की वफ़ात के बाद सिस्तानी ही वाहिद मरजय वक्त बन गए मरजय वक्त की हैसियत से मौसूफ़ ने अपने अंज़ाम देने शुरू किए और मस्जिद ख़जरा के उसी क्लासरूम में लेक्चर्स देने शुरू किए जहाँ मरहूम आयतुल्ल खी पढ़ाया करते थे आयतुल्ला सिस्तानी के मुक़लदीन की तदाद में दिन ब दिन इजाफा होने लगा बिलखसूस इराक़ खलीज फ़ारस और बर्र सगीर हिंद के इलाक़ों में सारे आलम इस्लाम के और मुश्तदीन में आयतुल्ला सिस्तानी को एक नुमाया और बुलंद मुक़ाम हासिल है नज़फ़ अशरफ़ और कुम की दरसगाहों में मौसू बहुत ज़्यादा अहमियत के हामिल हैं आयतुल्ला सीस्तानी ने दर्ज ख़ारिज में फ़िकल और सवार हयात का दर्स चौंतीस साल पहले देना शुरू किया था उन्होंने मकासिब नामी किताब पर बकसरत मुबा किया और लेक्चर्स दिए अलावा बरी तहारत इबादत अदल हम्स और फ़िके के दीगर मौजूद मसल इल्जाम और सूत खुरी वगैरह पर भी उनके लेक्चर्स काबिल तहसीन थे इस्लामी कवानी पर लिखी गई उनकी किताब शरीत इस्लामिया अखलाकियात और रूहानियत के ताल्लुक से दुनिया भर के मुसलमानों के लिए मशल राह और हिदायतनामा नामा बन गई है इस अजीम आलम और मशरक अहलैत के पैरोकार ने आई एस आई एस और नुसरा जैसी शैतानी दहशत गर्द तनजीमांत के हाथों इराक़ को टुकड़े टुकड़े होकर मुंतशर और तबाह होने से बचाने में बड़ा अहम और नुमाया किरदार अदा किया है एक ऐसे वक्त में जब शिया-सुन्नी इतिहाद दुश्मनों की खतरनाक साजिशों का शिकार होकर पारा पारा होने की तहलीस पर था आयतुल्ला सिसानी ने दोनों को मुतहद होने की पुरजोर अपील का दिलेराना कदम उठाया इस अजीम शी आलम दीन ने अपनी हमत और कोशिशों के जरिए शिया और सुन्नी दोनों मुसलमान भाइयों को खाना जंगी की आग में कुदने और एक दूसरे को नफ़रत की निगाहों से देखने से रोका आज के दौर में जब दुश्मनान ने कौम मुसलमानों के दरमियान फूट पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं उन्हें एक दूसरे के ख़िलाफ़ नफ़रत का जहर फैलाने में सरगर्म है ऐसे में ये मुतकी आदि अपने अमल और क़ुरानी तालीमत और अहलैद की हिदायत के ज़रिए बड़ी बहादुरी के साथ इस्लाम का दिफा कर रहा है सन 2007 हज़ार ईसवी में शिया और सुन्नी मुसलमानों में कुछ पसंद तखरीबी अनासर नफ़रत और दुश्मनी का जहर फैला रहे थे दोनों एक दूसरे को नफ़रत और हकायत की निगाह से देख रहे थे यहाँ तक कि एक दूसरे को वो मुरतित कहने से तक गुरेज नहीं कर रहे थे इन तकरीब पसंद ग्रोहों का ये मकसद था कि वो उम्मत मुस्लिम में फूट पैदा करें शिया और सुन्नी भाइयों को आपस में लड़ा कर मुल्क में अफरा तफरी फैलाएं ऐसे नाजुक और ख़तरनाक माहौल में सिस्तानी का वो मशहूर तारीख़ी ख़ुतबा आज भी सबको याद है जिसमें उन्होंने कहा था शिया आवाम अपने सुन्नी भाइयों को भाई नहीं बल्कि अपनी रूह कहें शिया और सुन्नी आवाम की अकीदों में दरक़ीक़त कोई फ़र्क नहीं मैं सारे इराक़ियों का चाहे वो सुन्नी हो या शिया, खादिम हूँ। मेरी मोहब्बत सबके लिए यकसा है बेशक इस्लाम प्यार मोहब्बत का मज़हब है उन्होंने शिया आवाम से अपील की कि वो अपने हक़क़ का तहफ़ करने से कबल अहल सुन्नत के समाजी और सियासी हक़ूक़ का तहफ़ करें फिर सन दो हज़ार चौदह ईस्वी में आयस आयस के दहशत गर्दों ने इराक़ में नस्ल कु और कत्लेम का हौलदाक माहौल बना रखा था एक ही दिन में सत्रह सौ नौजवानों को क़त्ल कर दिया गया क्योंकि उनका ताल्लुक शिया मसलक से था रफ्ता, रफ्ता सैकड़ों सुन्नियों, ईसाइयों और यदीदियों का भी आम होने लगा क्योंकि वो आई एस आई एस के तकफीरी नज़रिए के मुखालिफ थे इराक़ की हालत नागुफ्ता बह थी और वो दुनिया से मदद की दरखास्त कर रहा था ऐसे नाजुक गैर महफूज इम्तहानी दौर में आयतुल्ला सिस्तानी ने करबला में अपने नुमाइंदे के ज़रिए ऐलान करवाया कि जो मर्द सेहतमंद और जंग लड़ने के काबिल हैं वो हथियार उठाएं और सरकार की फ़ौजों के शाना बशाना इराक़ का दिफा करें उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि वक्त का सबसे अहम तकाजा यह है कि सारे इराकी आवाम मुतहद हो जाए आयतुल्ला के इस फरमान के नतीजे में अवी मुत अफवाज अलम वजूद में आईं, जो आज भी आयस आयस के ख़िलाफ़ इराकी फ़ौजी दस्तों की जंगी कार्रवाई में जोश व ख़रोश के साथ हिस्सा ले रही हैं और इराकी आवाम के मासीवा इराक़ में मौजूद मकामसा की हिफाज़त कर रही हैं ये बिल्कुल सच है कि दुनिया आयतुल्ला सैदी सीस्तानी को इराक़ के मुनजी के नाम से याद करती है आयतुल्लाह सीस्तानी आज भी करोड़ों लोगों के दिलों में हिदायत के चिराग रोशन कर रहे हैं और उन्हें क़ुरान मजीद और अहल बैत महमदील वसल्लम के बताए हुए रास्ते पर गामजन होने का दर्श दे रहे हैं वाल